हेलो दोस्त, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा आपके मेरे हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है GRC और दोस्त आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं, एक कंपैरेटिव वीडियो होगा ये। अपन बात करने वाले हैं ओरिफिस मीटर के बारे में और वेंचुरी मीटर के बारे में। दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे कि दोनों का वर्किंग मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है, कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है, दोनों में से अच्छा कौन सा है, कॉस्ट के मामले में अच्छा कौन सा है, वर्किंग के मामले में अच्छा कौन सा है, कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज या कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज जो ऑरिफिस मीटर में होता है ना, और जो कोफिशियंट ऑफ वेंचुरी मीटर है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, प्रेशर लॉस किस में ज्यादा होता है। तमाम यहाँ पर ये वीडियो होने वाला है, कंपैरेटिव वीडियो होगा और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। तो चलिए फिर बिना देर किए जल्दी से अपन अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्त, अब बात करते हैं ऑरिफिस मीटर वगैरह के बारे में, वेंचुरी मीटर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के बारे में। आपने यहाँ पर वेंचुरी मीटर का कंस्ट्रक्शन वगैरह देखा होगा, नहीं देखा होगा तो डायग्राम भी तो मैंने दिया ही है स्क्रीन पर, इसको देखो। इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो कन्वर्जिंग पार्ट है और एक डाइवर्जिंग पार्ट है और एक थ्रोट है। अब जो डाइवर्जिंग पार्ट है इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है और जो कन्वर्जिंग पार्ट है इसकी लंबाई थोड़ी सी कम है डाइवर्जिंग पार्ट के कंपेयर में। अब ऐसी इंजीनियरिंग क्यों भाई? देखो इसका भी रीजन है कि क्या होता है, एक तरफ से आपने फ्लूइड दिया, ठीक है, वो थोड़ा सा कंप्रेस होते 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 थ्रोट तक पहुंचा। अब थ्रोट के बाद अगर वो एकाएक मतलब तुरंत अगर वो डाइवर्ज हो जाएगा ना, तो वो बैक प्रेशर मारेगा, मतलब उसमें एनर्जी लॉसेस होने की संभावना होगी, उसी वजह से प्रेशर लॉस भी आपने को देखने को मिलेगा। अब अगर प्रेशर लॉस देखने को मिल गया भाई, तो मुझे बताओ कि वो ओरिफिस मीटर से कैसे अलग हुआ, क्योंकि ओरिफिस मीटर में भी तो प्रेशर लॉस होता है ना। और इसी कमी को पूरा करने के लिए अपन ने एक एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि है वेंचुरी मीटर ओरिफिस मीटर के कंपेयर में, उसको अपन ने लाया। हाँ भाई, जो ओरिफिस मीटर है उसमें प्रेशर लॉस होता है। कैसे होता है भाई, क्या होता है? ओरिफिस मीटर नाम से क्लियर हो रहा है, ओरिफिस मतलब एक छोटा सा छेद। अपन क्या करते हैं, एक कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया का एक ट्यूब वगैरह लेंगे, उसमें एक ओरिफिस देंगे। तो एक तरफ से मैंने फ्लूइड को फ्लो करवाया, फिर वो उस होल से जब फ्लूइड पास होगा, अचानक से क्या होता है कि वो फ्लूइड एक बड़े से रीजन में फैलता है। आपने यहां पर ध्यान दिया होगा कि वेंचुरी मीटर में अपन धीरे 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 उसको चौड़ा करने की जगह दे रहे हैं, वही यहां पर ओरिफिस मीटर में वो एकाएक फैल जा रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, वो अचानक से एक बड़े एरिया से छोटे एरिया में जा रहा है, छोटा सा एक ओरिफिस छेद है ओरिफिस मीटर में, दोबारा अचानक से बड़े रीजन में जा रहा है। तो यहाँ पर प्रेशर फ्लक्चुएशंस बहुत आते हैं, उस वजह से यहाँ पर प्रेशर लॉस भी होता है, बहुत लिक्विड धक्का लगता है लिक्विड को, पीछे बैक प्रेशर देता है, तो एनर्जी लॉस यहाँ पर होता है। इस वजह से यहाँ पर अल्टीमेटली ओरिफिस मीटर के केस में प्रेशर लॉस देखने को मिलता है, कैलकुलेशंस गड़बड़ होती है। इसी गड़बड़ कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए तो अपन वेंचुरी मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यही कारण है कि, और यही प्रूफ करता है कि वर्किंग के केस में तो वेंचुरी मीटर मच बेटर है ओरिफिस मीटर से। अब बात करते हैं कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज वगैरह क्या है, कोफिशियंट ऑफ वेंचुरी मीटर क्या है। भाई कोफिशियंट ऑफ वेंचुरी मीटर और कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज ओरिफिस मीटर का दोनों एक ही चीज है, दोनों बताता है कि कितने मात्रा में जो फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है आउटलेट से प्रैक्टिकल केस में डिवाइडेड बाय आइडल केस में। अब मैंने पहले प्रैक्टिकल केस कहा, डिवाइडेड बाय आइडल केस कहा। अब इतना तो कॉमन सेंस है, आप जानते हो कि जितना फ्लूइड अंदर जा रहा है प्रैक्टिकल केस में उतना ही बाहर नहीं आ रहा होगा। अगर उतना ही बाहर आ गया होता तो जो ट्यूब है या फिर जो ओरिफिस मीटर है या फिर जो वेंचुरी मीटर है वो पूरा का पूरा सूखा रह जाता। तो ऐसा होता है क्या? नहीं भाई, फ्लूइड है तो गीला हो गई, उसकी विस्कोसिटी वगैरह की वजह से या जो भी फैक्टर्स है उस वजह से जो फ्लूइड है वो तो चिपके गई ना। अगर मैं लिक्विड की बात करूं, अगर गैस हूं, गैस ले रहा हूं, तो वहां पर कहानी थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी गैस तो अंदर रह ही जाएगी, पूरी की पूरी गैस बाहर कैसे आएगी भाई प्रैक्टिकल केस में। तो भाई कोफिशियंट ऑफ वेंचुरी मीटर की वैल्यू 1 से कम होगी और कोफिशियंट ऑफ जो डिस्चार्ज ओरिफिस मीटर वो भी 1 से कम होगा, क्योंकि दोनों की बेसिक डेफिनेशन तो एक ही है। लेकिन वेंचुरी मीटर के केस में ये 1 से कम तो होता है, लेकिन लगभग 1 होता है, 0.95 या 0.97 या फिर 0.98 तक भी ये वैल्यू जाती है। मतलब अल्टीमेटली प्रेशर लॉस यहाँ पर कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वो बैक प्रेशर रिलेटिवली कम मारेगा, क्योंकि मैंने डाइवर्जिंग पार्ट दिया है यहाँ पर वेंचुरी मीटर में। लेकिन ओरिफिस मीटर के केस में तो भारी मात्रा में प्रेशर लॉस हो रहा है, मैंने आपको रीजन वगैरह सब समझा दिया। तो भाई कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज जो वेंचुरी मीटर का होगा उससे काफी कम होगा कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पर ओरिफिस मीटर का। तो यहाँ पर आप रिलेशन निकाल सकते हो कि जो कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज है या फिर कोफिशियंट ऑफ वेंचुरी मीटर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर लॉस के। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर लॉस होगा उतना कम यहाँ पर कोफिशियंट अपने को देखने को मिलेगा। तो ये कंपैरेटिव वीडियो है, मुझे उम्मीद है आपको ये काफी अच्छा लग रहा होगा। भारत का भविष्य सेगमेंट अपने पास है ही, वहां पर भी सवाल जवाब करेंगे। तो ये तो कुछ कहानी थी। तो इन दोनों केसेस में तो वेंचुरी मीटर जीत गया।
अब बात करते हैं कॉस्ट वगैरह के बारे में। तो भाई एक में तो ऑरिफिस मीटर को जीतने तो यहाँ पर ऑरिफिस मीटर जीत गया है, क्योंकि कॉस्ट के केस में वेंचुरी मीटर थोड़ा सा काफ़ी महंगा हो जाता है ऑरिफिस मीटर के कंपेयर में, क्योंकि जो वेंचुरी मीटर है ना उसका साइज़ काफ़ी बड़े साइज तक भी अवेलेबल है, क्योंकि ये काफ़ी प्रोफेशनल वर्क में यूज़ होता है। वही अगर आप स्टूडेंट वगैरह हो या फिर उतना प्रोफेशनल आपको वर्क नहीं चाहिए तो आप ऑरिफिस मीटर तक यूज़ कर सकते हो, तो वेंचुरी मीटर का कॉस्ट वगैरह ज़्यादा होता है। ये तो हुआ तीसरा पॉइंट। अगला पॉइंट आता है इंस्टॉलेशन वगैरह। तो वेंचुरी मीटर क्या होता है कि उसका इंस्टॉलेशन वगैरह भी मुश्किल रहता है, और ओरिफिस मीटर मीटर जो है वो रिलेटिवली ईजियर है उसका इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर भी जो वेंचुरी मीटर है इस केस में हारता है और ओरिफिस मीटर जीतता है। तो ये सारे कुछ तीन चार कैटेगरीज थे, इन पैरामीटर्स के बेसिस पे मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बताया। उसके बाद क्या होता है वेंचुरी मीटर भाई, तो मैंने तो बताया एक आइडल की एक मतलब एक आइडल ही डिवाइस बोल सकते हो, जो फ्लूइड कि जो फ्लो है इसको मेजर करता है। यहाँ पर भी बैक प्रेशर देखने को मिलता है लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब तो चलिए अब दोस्त बात करते हैं भारत का भविष्य सेगमेंट के बारे में। भारत का भविष्य सेगमेंट हमारे चैनल का एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें मैं आपसे सवाल पूछता हूँ और आप इसे जवाब पाने की मेरी उम्मीद रहती है। तो बस दोस्त इस वीडियो में इतना ही बोलूंगा, अपना जो भी डाउट वगैरह है मुझसे नीचे पूछ लेना, हर एक चीज़ पे मेरी सेपरेट वीडियो बनेगी। लेकिन अगर आपको कोई टॉपिक पे पहली वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं जैसे जैसे पढ़ते रहूँगा वैसे वैसे मैं वीडियो आपको देता रहूँगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, एक कंपैरेटिव वीडियो आपको चाहिए कि नहीं, मुझे नीचे कॉमेंट करके बताते रहना। जैसे जैसे मैं पढ़ता रहूँगा, जैसे जैसे मेरी ग्रोथ होती रहेगी, मैं वैसे वैसे आपको डिलीवर करता रहूँगा। तो बस दोस्त इस वीडियो में इतना ही। आप हर समय मेरी वीडियोज़ को देखते हो यार, सपोर्ट करते हो, लाइक करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करने नहीं बोलूँगा, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं खुद चाहूँगा कि आप मेरे परिवार से जुड़िए, हमारा एक परिवार और बड़ा हो, आप सब्सक्राइब करिए, ये मैं चाहूँगा लेकिन बोलूँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो आपके ऊपर है यार। सब्सक्राइब आपको करना है आप करो, नहीं करना है आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी वीडियोज़ को बार बार आकर देख सकते हो और सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक परिवार और बड़ा होगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा यार। तो बस दोस्त इस वीडियो में इतना ही, अपना ध्यान रखना, मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों की हेल्प करते रहिए।